तो रिटेल स्टोर सिमुलेटर में बैक टू बैक एक और अपडेट आ चुका है और ये अपडेट तुम्हारे काम का ही होने वाला है, तो एंड तक देखना। ओके, सो मैं आ चुका हूँ अभी गेम के अंदर और तुम लोग को गेम में वैसे कुछ खास देखने को मिल नहीं रहा होगा, मेरे को पता है। हाँ, बस इसमें थोड़ा सा ग्राफिक्स में चेंजेस किया गया है, देख सकते हो तुम लोग। पहले उतना अच्छा खासा शैडो वगैरह देखने को नहीं मिल रहा होगा, लेकिन अब से तुमको अपडेट के बाद से यहाँ पर शैडो वगैरह भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा होगा। और उसी के साथ गाइस, जो तुम्हारा रिस्टॉकर वाला अपडेट आया था जिसमें तुम रिस्टॉकर को रोक सकते थे, लेकिन वो अपडेट अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था। बट हाँ, इस अपडेट के बाद से तुम्हारा वाला अपडेट भी अच्छे से वर्क कर रहा है, तुम लोग रिस्टॉकर को रोक सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये देखो, इसको मैंने रोक दिया है और ये जाके वहां पर खड़े हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने सभी को रोक दिया है, लेकिन मैं यहाँ पर एक एक करके रोक रहा हूँ। बट हाँ, तुम लोग यहाँ पर सिर्फ एक को ही रोकोगे ना, जैसे यहाँ पर आके खड़े रहेगा, तो तुम लोग एक को ही रोकोगे तो वो सारे के सारे रुक जाएंगे आके यहाँ पर। एंड बेसिकली गाइस, ये वाला अपडेट रिसेंटली कल ही ऐड हुआ है, मेरे को खुद नहीं पता था। बट हाँ, एक सब्सक्राइबर ने मेरे को कमेंट किया, फिर मैंने जाके देखा प्ले स्टोर पर, तो प्ले स्टोर पर अपडेट पड़ा हुआ था, तो मैंने जल्दी से अपडेट कर लिया एंड उसके बाद ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। और जिन्होंने गाइस इस अपडेट के बारे में मुझे बताया है, उनका नाम है सिख बाबर। ठीक है, ओके, तो चलो अभी चलकर देखते हैं अपना दूसरा अपडेट। और दूसरा अपडेट है अपना कैशियर काउंटर का। बेसिकली गाइस, कैशियर काउंटर का दो दो अपडेट आया है। पहला तो ये है, जो ये तुम्हें ग्रीन लाइन देखने को मिल रहा था अपडेट के बाद से, ये किसी किसी प्रोडक्ट में सिर्फ देखने को मिल रहा था, लेकिन हाँ, अभी जो न्यू अपडेट आया है उसमें तुम्हें सभी कुछ सभी में देखने को मिलेगा, बस ग्रोसरी को छोड़ के। जो ये आलू प्याज है ना, उसमें तुम्हें ग्रीन लाइन देखने को नहीं मिल रहा होगा। और हाँ, वैसे किसी किसी ग्रोसरी में देखने को मिलेगा, जैसे कि तुम्हें देखा यहाँ पर गाजर में तुमको देखने को मिला है, थोड़े बहुत ग्रोसरी में यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो तुम लोग ये मत बोलना कि भाई आधे ग्रोसरी में देखने को मिल रहा है, ये कैसा अपडेट आ गया है। तो ऐसा ही अपडेट है भाई। और जो दूसरा अपडेट है कैशियर काउंटर का, वो ये है कि अगर तुम बहुत सारे कैशियर रखते हो, तो पहले ऐसा होता था कि जो तुम्हारे कस्टमर है वो सिर्फ एक ही कैशियर के पास आते थे, लेकिन अपडेट के बाद से ऐसा हो गया है कि जो तुम्हारे बाकी के भी कैशियर होंगे ना, उनके पास भी सारे के सारे कस्टमर जाएंगे। और ये चीज गाइस पर्सनली मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी बहुत सारे कैशियर रखे थे, बट जो कस्टमर है ना वो सिर्फ एक ही कैशियर के पास आते थे, बाकी कैशियर फालतू ही ऐसे बैठे रहते थे एंड मेरा जो पैसा है ना वो कटते रहता था। ओके, सो अब तुम्हारा जो पैसा है ना वो फालतू वेस्ट नहीं जाएगा। ठीक है, एंड इसके बाद जो तीसरा अपडेट है वो है प्रोडक्ट को लेके। प्रोडक्ट में तुम अब 5 की जगह 10 सामान मंगा सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर ऑर्डर कर रहा हूँ, देख सकते हो तुम लोग। यहाँ पर मैंने एक साथ ही 10 सामान ऑर्डर कर दिए। पहले ऐसा हो रहा था कि 5 ही सामान ऑर्डर कर सकते थे, मैंने सोचा था यार ये वाला अपडेट आए, बट गाइस फाइनली ये वाला अपडेट आ चुका है। पता नहीं ये लोग मेरे अंदर का जो बात है वो कैसे जान जाते हैं। तो मेन जो अपडेट थे वो यही थे एंड उसी के साथ जो हमारा चौथा अपडेट है वो बिल्कुल छोटा सा है, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर जो हाइड मिशन है, इसको पहले तुम हाइड नहीं कर सकते थे, ये पूरा स्क्रीन पे आ रहा था तो अच्छा नहीं दिख रहा था, बट अपडेट के बाद से तुम इसे हाइड कर सकते हो। ठीक है, एंड इसी के साथ दोस्तों एक और छोटा सा अपडेट है जो कि रेंडर्स डिस्टेंस को लेकर है। और ये वाला अपडेट बेसिकली अपने सेल्फ के ऊपर अप्लाई होता है, जैसे कि तुम लोग ने देखा होगा कि जैसे तुम थोड़े दूर जाते थे तो ये सेल्फ है ना जो गायब हो जाते थे, लेकिन अब ये अलग ग्लिच ठीक हो चुका है, पता नहीं ये ग्लिच था या फिर बग। बट हाँ, अब के बाद से तुम्हें ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि सेल्फ गायब हो जाएंगे दूर जाने के बाद। मैं तो यहाँ पर बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ, मेरे को तो ऐसा अभी फिलहाल देखने को नहीं मिला है। हाँ, वैसे वो बात अलग है, इसमें अभी भी हल्के फुल्के बग वगैरह होंगे, मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि गाइस किसी भी गेम में ऐसा नहीं होता है कि सारे के सारे बग एंड ग्लिचेस एक साथ ही दूर हो जाए। तो इस गेम के भी धीरे धीरे बग एंड ग्लिचेस दूर होते रहेंगे। मुझे पता है तुम लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम देखने को मिल रही होगी इस गेम में, तो यार थोड़ा मैनेज करना, क्योंकि ये गेम जो है ना अपने से बहुत ज्यादा ही कुछ कर चुका है इस गेम में। तुम लोग खुद ही सोचोगा, इसने कम एमबी में ना इतना सारा सामान वगैरह प्रोडक्ट वगैरह बहुत से कुछ इसमें आ चुके हैं, तो तुम लोग तो सोच ही सकते हो यार थोड़े बहुत ग्लिचेस वगैरह तो देखने को मिलेंगे, तो उतना तो मैनेज कर ही सकते हो, क्योंकि जो इस गेम के टारगेट ऑडियंस है ना वो लो एंड डिवाइस वाले हैं, तो तुम लोगों के लिए ही इतना कुछ कर रहा है ये गेम, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। ओके ओके, तो एंड एंड अभी इन रिस्टॉकर को काम कराने का टाइम आ चुका है, चलो देखते हैं अच्छे से वर्क कर रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने इनको रोक के रखा था और अभी मैंने इनको फिर से स्टार्ट करवा दिया है काम करने के लिए, और तुम लोग देख सकते हो भाई एक ही साथ जा रहे हैं। और गाइस तुम लोगों को ना मेरा वॉइस हल्का चेंज था लग रहा होगा, तो यार मैं बता दूं मेरे को बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम पकड़ चुका है, तो मैनेज कर लेना यार 2-3 दिन तक। एंड यार अपडेट मैं बना तो नहीं रहा था, लेकिन तुम्हें अपडेट बताना था इसलिए मैंने बना दिया। सो दोस्तों ये मत बोलना कि तुम्हारा भाई बहुत ही भद्दा आवाज आ रहा है, थोड़ा मैनेज कर लेना, क्योंकि ऐसे ही टाइम पे तो भाई सपोर्ट की जरूरत होती है, तो भाई तुम लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा। ओके, तो फिलहाल ज्यादा ही बकवास हो गई, मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।